हेलो व्यूअर्स, आज हम ये बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्यों आते हैं। क्या आपके मन में ये कभी सवाल आया है कि कुछ स्थानों पर ज्वालामुखी क्यों फूट पड़ता है? आपने कभी न्यूज़पेपर्स में भी ये पढ़ा होगा कि अमुक स्थान पर लावा फूट पड़ा। ये लावा क्या है और क्यों बनता है, आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। जब भूमि के अंदर ताप बढ़ जाता है और साथ ही रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक्शन रिएक्शंस होते हैं, एवं विघटनात्मक जो शक्तियां हैं, विघटनात्मक शक्तियां वो होती हैं जो पृथ्वी के अंदर के मैग्मा को तोड़ करके उसे बाहर की तरफ भेजने का कार्य करती हैं। इस ऊष्मा के कारण भूमि के अंदर जो स्थित आयतन है, उन पदार्थ हैं, उनका आयतन बढ़ जाता है और वे बाहर की तरफ निकलने को सतत प्रयत्नशील रहते हैं। भूगर्भ की गैसें होती हैं जो तेज तापमान के कारण तरल हो जाती हैं। तरल होने के साथ ही उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम यानी आयतन उनका बढ़ जाता है और वे इसके कारण पृथ्वी से बाहर आने का प्रयास करती हैं और इसके रिजल्ट के रूप में ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद गैसें, तरल, लावा, पृथ्वी की हलचल और मैग्मा पर गैसों एवं बाष्प का दबाव पड़ने से ये फैलती हैं और लावा को ऊपर की तरफ फेंक देती हैं, जो उद्गार के साथ जल वाष्प और राख के साथ भी कभी कभार देखा जाता है। भूमिगत जल जो होता है उससे वाष्प बनती है, स्टीम बनती है, जिससे गैसें फैलती हैं। गैसों के कारण भी ज्वालामुखी बाहर की तरफ आ जाता है। ये सब कारण हैं जिसके कारण से लावा, बाष्प और गैसें पृथ्वी की वलन, भ्रशन और अन्य हलचलों के कारण पपड़ी जहाँ भी कमज़ोर होती है वहाँ से फूट करके बाहर आने का प्रयास करती हैं। पपड़ी को तोड़कर बाहर निकालना ही ज्वालामुखी उद्भेदन कहा जाता है। ज्वालामुखी तीन तरह के होते हैं। इसमें विस्फोटक होता है जिसमें एक्सप्लोजेशन होता है, और अपस्थायी होता है जिसमें शांत प्रकार का धीरे धीरे लावा निकलता है। एक में दरार जो है पृथ्वी में बन जाती हैं, दरार में से कुछ मैग्मा वगैरह पदार्थ जो हैं बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जो दरारी उद्भेदन है वह पृथ्वी के ठंडे होने की द्वितीय दशा से संबंधित है। जब पृथ्वी की पपड़ी इतनी मोटी हो गई हो कि मैग्मा किसी स्थान पर पपड़ी को तोड़कर नहीं निकल सकता, तो यह जो एक्सप्लोजन है वो कुछ दरारों के रूप में बन जाता है। इन उद्भेदनों में भीषणता नहीं होती यानी विस्फोट नहीं होता, इसलिए इन्हें शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। समोआ, हवाई और आइसलैंड के ज्वालामुखी इन्हीं वर्गों में आते हैं। विस्फोटक जो ज्वालामुखी हैं उनमें सिसली का एटना, जिसमें भयानक भूकंप आते हैं, जापान का फ्यूजियामा और इटली का विश्वियस विस्फोट उद्भेदन जो हैं ये इसके उदाहरण हैं। 1883 में क्राकट